नमस्कार मित्रों, हूँ अविनाश जोशी, अंबाधाम भचाऊ। मित्रों, थोड़ा समय थी अमुक विद्वान सज्जनों द्वारा साहित्य क्षेत्रना, भजन क्षेत्रना, कथा क्षेत्रना एमना द्वारा एवी जाहरात करवामां आवी छे कि अमारी कोईपण गायेली के लोकसाहित्यनी वातो एने यूट्यूब उपर कोईपण फोटोग्राफर मित्रोए, विडियोग्राफर होय एने शेर करवी नहीं, पोतानी यूट्यूब चेनल उपर पण आ कोई प्रसारित करवी नहीं, होय तो एने हटावी लेवी अथवा एने स्ट्राइक करवी, आवी चर्चाओ करवामां आवे छे। मित्रों, मारी दृष्टिए, मारी विचारधारा प्रमाणे आ वात ए योग्य नथी, कारण के आज कथा जगत होय के भजन नी दुनिया होय, संतवाणी जगत होय, साहित्य जगत होय, एने ज आ समाज ने जे आप्यु छे, आपी रह्या छे, त्यारे आपणा वातो जे छे ए भजन द्वारा के साहित्य द्वारा के कथा द्वारा अपनी बातों ने लोक हृदय सुधी पहुँचाड़ी जे आ विडियोग्राफर मित्रों पोताना चेनल द्वारा, यूट्यूब द्वारा जे कार्य करी रहा है, मारा मत प्रमाणे सनातन धर्म एना प्रचार प्रसार माटे आ बातों लोक हृदय सुधी पहुँचाड़ू आ विडियोग्राफर मित्रों आ चेनलना जे जे छे ए लोको करी रहा है, त्यारे आपणी आ वात ए योग्य नथी। कारण के ब्रह्मलीन नारायण बापू, ब्रह्मलीन कांदासजी बापू एमणे पण क्यारे आवी कोई क्यारे जाहेरात नथी करी के अमारा भजनोने ज्यां त्यां जेवी रीते अलग अलग चेनलो पर क्यारे प्रसारित करवा नहीं। आपणा पद्मश्री एवॉर्ड विजेता भिखुदानभाई गढवी एमने हूँ याद करी छे, एमणे पण आवी क्यारे वात करी नथी। पूज्य मोरारी बापू, पूज्य रमेशभाई ओझा एमणे पण क्यारे आवी वात नथी करी। कारण के मने एम लागे छे के आपणे आवी मानसिकता, आपणे आवा विचारधारा क्यारेक लोकोना हृदय में एवी छाप न पड़े कि आपणो अहम वधी गयो छे, अथवा तो आपणने आर्थिक कोई लालसाओ छे एटले आपणी आवी वातो करी रह्या छीए। कारण के आपणे बधाए सनातन धर्मना प्रचार प्रसार माटेना, सनातन धर्मना आपणे रक्षको छीए, आपणे लोक जागृतिनुं कार्य करी रह्या छीए, त्यारे आपणी ज आ वातोने आ विडियोग्राफर मित्रों यूट्यूबना चेनल द्वारा पण जे जे लोकोना हृदय सुधी आपणी वातने, आपणा विचारोने पहोंचाड़ी रह्या होय त्यारे खरेखर ए लोकोने धन्यवादने पात्र छे। तो कृपा करी अने जे लोकोए आवा वातोने मूकी छे, विचार मूकी छे, एमने करबद्ध प्रार्थना करूँ छूँ કે આ બાબતમાં યોગ્ય વિચાર કરીએ। ફોટોગ્રાફર, વિડીયોગ્રાફર જે મિત્રો એના વિરુદ્ધમાં આપણે આવી જે કોઈ પણ વાત કરી હોય તો એના વિરુદ્ધ ફેર વિચાર કરીએ, કારણ કે આપણે બધાએ સંસ્કૃતિના વાહકો છીએ, સનાતન ધર્મના આપણે ખાસ પ્રચાર પ્રસાર કરનારા છીએ, સમાજની આપણા ઉપર ખૂબ મોટી આશા છે, સમાજ આપણા ઉપર નજર રાખીને બેઠા છે, ત્યારે આવી વાતોને એક બાજુએ મૂકી અને સનાતન ધર્મના કામમાં એ ભજનના માધ્યમ દ્વારા, લોક સાહિત્યના માધ્યમ દ્વારા કે કથાના માધ્યમ દ્વારા આપણે આપણા આ કાર્યને વધુ વેગવંતું રાખીએ, આપણા કાર્ય કરતા રહીએ। કારણ કે ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિત, આપણે આ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ ત્યારે પુનઃ પુનઃ આ બાબતે આપ સૌ યોગ્ય કરો એવી પ્રાર્થના। અસ્તુ, વંદે માતરમ, નમસ્કાર।